हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। मैं हूँ डॉक्टर वंशिका सक्सेना। सो गाइस, बीइंग अ डॉक्टर, मैंने कई सारे स्प्लिंट्स देखे हैं, अपने पेशेंट्स को सजेस्ट किए हैं और उनकी फीडबैक के बेस पर आज मैं आपके साथ इस वाले स्प्लिंट का अनबॉक्सिंग, रिव्यू और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो स्प्लिंट होता है वो होता क्या है। आपने पुराने टाइम में देखा होगा और शायद कहीं कहीं अभी भी ऐसा चलता है, जब हड्डी टूट जाती है तो पेशेंट के हाथ पर दो लकड़ी की खपच्ची लगा दी जाती हैं, एक आगे से और एक पीछे से, और उसके ऊपर पट्टी बांधी जाती है जिससे हाथ को पूरा सपोर्ट मिले और हाथ की जो हड्डी टूटी है वो हिले ना, मतलब कि हाथ में मूवमेंट ना हो, तो उसी चीज़ को हम स्प्लिंट कहते हैं। लेकिन ये जो लकड़ी की खपच्ची वाला ट्रेडिशन है वो हल्के हल्के करके ख़त्म होता जा रहा है और उसकी जगह अब यूज़ करने लग गए हैं लोग कुछ इस तरह का स्प्लिंट, जिसमें आगे की तरफ और पीछे की तरफ एल्युमिनियम की एक पत्ती लगी होती है जिससे हमारे हाथ को एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड होता है। जैसा कि 15 जून को गिरने की वजह से मुझे डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर हुआ था लेफ्ट हैंड में, सो अभी कास्ट तो रिमूव हो गया है। मैंने वीडियो डाली थी अपने चैनल पर, शायद आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं कि कैसे प्लास्टर को रिमूव किया जाता है आज के टाइम में। और तो अभी जैसे कि हमारा जो कास्ट है वो तो रिमूव हो गया है, लेकिन मेरे हाथ में अभी भी पेन भी है और स्टिफनेस भी है जो हल्के हल्के करके ही जाएगी। जब तक कास्ट था तो हमारे हाथ को एक अच्छा सपोर्ट मिलता था और रात में बिना किसी टेंशन के अच्छे से नींद आ जाती थी, बट अभी कास्ट तो है नहीं और सोते टाइम हमें कुछ होश होता भी नहीं है, इसलिए आफ्टर कास्ट स्पेशली रात में हमें ज़रूरत होती है हमारे हाथ को एक अच्छे सपोर्ट की, जिसके लिए हमें यूज़ करना होता है स्प्लिंट। तो आज हम सबसे पहले अनबॉक्सिंग करेंगे एक क्योर के रिस्ट एंड फोर आर्म स्प्लिंट की, देन हम इसका रिव्यू करेंगे और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ। सो ये है एक क्योर स्प्लिंट का बॉक्स जिस पर रिस्ट एंड फोर आर्म स्प्लिंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट साइड पर इसका जो साइज है वो यूनिवर्सल है ये लिखा हुआ है, मतलब चाहे फीमेल हो मेल हो ये हर किसी को फिट बैठ जाएगा, चाहे लेफ्ट हैंड के लिए आपको यूज करना हो चाहे राइट हैंड के लिए यूज करना हो, ये दोनों ही हाथों पर फिट बैठ जाता है। और बॉक्स के पीछे फीचर्स, इंडिकेशन, मोड ऑफ एक्शन, हाउ टू यूज और वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आप बॉक्स के पीछे देख सकते हैं। तो चलिए अब अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इस बॉक्स को। कुछ इस तरह का ये एक क्योर का रिस्ट एंड फोर आर्म स्प्लिंट है। इसमें जो कंटेंट यूज़ किया गया है वो एल्युमिनियम, पॉलिस्टर, एथाफोम और पॉलीमाइड के साथ साथ रबड़ का भी यूज़ किया गया है। स्प्लिंट के दोनों साइड में, मतलब कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों पर ही इस पर एक सॉफ्ट सा फैब्रिक का यूज़ किया गया है, जिससे कि स्प्लिंट के अंदर अच्छे से हवा पास हो सके और आपके स्किन को कोई भी इरिटेशन ना हो। सो ये जो स्प्लिंट है आपको कुछ इस तरह से पहनना है, जो हमारी पाम की शेप का स्प्लिंट है उसको आपने पाम की तरफ रखना है, मतलब हथेली की तरफ रखना है, और जो बैक साइड में जो ये कर्व दिख रहा है वो आपको बैक साइड में रहेगा, जो हमारी रिस्ट है उधर की तरफ रहेगा। तो आपने उसको पहनने के बाद कुछ इस तरह से इसमें बेल्ट दी गई हैं, इन बेल्ट्स को आपने रैप कर लेना है जितना भी आपका साइज रहेगा अपने हाथ के हिसाब से, उसको ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है और ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है, बस अच्छे से जो स्प्लिंट है वो आपके हाथ में फिक्स हो जाए, कुछ इस तरह से आपने इसको पहन लेना है। सो अब बात आती है मेरे एक्सपीरियंस की, कि मेरा एक्सपीरियंस एक क्योर के स्प्लिंट के साथ कैसा रहा और मैंने एक क्योर का स्प्लिंट ही क्यों चूज़ किया, जबकि मार्केट में तो और भी कई सारी कंपनीज अवेलेबल हैं। देखो मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो वीडियो है वो स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैंने कई सारे अपने पेशेंट को स्प्लिंट सजेस्ट किए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की जो फीडबैक्स आती हैं वो एक क्योर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए जो ले रही हूँ वो भी एक क्योर का ही लूँ। और जब मैंने इसको खुद पर्सनली यूज़ किया तो मुझे सच में काफ़ी अच्छा लगा। इसकी कुछ बातें हैं जो इसको और सारे स्प्लिंट से अलग बनाती हैं, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। अब सबसे बड़ा जो इसको लेने का जो मेन रीज़न है वो है इसमें लगा हुआ स्प्लिंट, जो आगे और पीछे की तरफ लगा हुआ है। इसमें जो स्प्लिंट यूज़ किया गया है उसकी क्वालिटी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये आपके हाथ को बहुत अच्छे से सपोर्ट देती है, और जो नॉर्मली एल्युमिनियम के जो स्प्लिंट्स होते हैं वो बहुत थोड़े लच्चर पच्चर से होते हैं, वो थोड़े हिल जाते हैं, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है ना ये बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलेंगे, कि बिल्कुल भी हिलता नहीं है और एकदम फिक्स हो जाता है। आपकी जो हाथ की जो शेप होती है ना बिल्कुल वही शेप ले लेता है और उसको फिक्स कर देता है, बिल्कुल भी आपको रात में आपके हाथ को ज़रा सी भी तकलीफ़ नहीं होगी और आप बिना किसी टेंशन के रात में एक सुकून की नींद ले सकोगे। सेकेंड चीज़ बेस्ट है इसमें लगा हुआ ये फैब्रिक,
देखो स्पेशली समर्स में कास्ट की वजह से पसीना बहुत आता है और उसकी वजह से हमें एलर्जी हो जाती है, दाने हो जाते हैं, हमारी जो स्किन है वो गलना स्टार्ट हो जाती है, हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और भी बहुत कुछ होता है हमारी स्किन को। ऐसे में आफ्टर कास्ट हमारी स्किन को ज़रूरत होती है केयर की। सो, जो ये स्प्लिंट है इसमें दोनों साइड आपको एक सॉफ्ट सा फैब्रिक मिल जाता है जिसकी वजह से हमारे स्प्लिंट में एयर पास होती रहती है और हमारी स्किन को बिल्कुल भी किसी भी तरह की इरिटेशन नहीं होती। So, ये कुछ बेस्ट चीजें हैं इस स्प्लिंट की जिसकी वजह से लोग एक क्योर के स्प्लिंट को लेना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे तो आप इसको लोकल मार्केट से भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप लोकल मार्केट से नहीं लेना चाहते हो तो आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हो, जिसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। सो, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक जरूर दें। और अगर आपको कोई और कंपनी का एक अच्छा स्प्लिंट पता है तो उसको भी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जो पास में बेल आइकन है उसको भी हिट कर लें, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलती हूं मैं अभी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें।